आदेश का पालन करने निकले एक साथ तीन विभाग जिसमें नगर पंचायत कसडोल राजस्व विभाग सहित पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कसडोल नगर पंचायत के कई दुकानों में छापे मार कार्रवाई की गई। वही सीएमओ अनुराधा राजमणि ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कार्रवाई से पहले पॉलिथीन पर रोक के लिए मुनादी करवाई, जिसके बाद भी कुछ व्यापारियों द्वारा पॉलिथीन की बिक्री करने साथ ही खुद उपयोग भी करने की शिकायत आई, जिसके बाद कई दुकानों पर पहुंचा तो शिकायत को सही पाया गया, साथ ही सभी पॉलिथीन को जब्ती कर पेनल्टी भी काटी गई है। जैसा कि आपको भी विदित है कि शासन द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित किया गया है, तो शासन के आदेश के परिपालन में राजस्व विभाग नगर पंचायत कसडोल एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। इसके पूर्व में नगर पंचायत द्वारा कंटिन्यूस लगातार समस्त वार्डों में मुनादी के माध्यम से भी नागरिकों को और व्यापारियों को सूचित किया गया था कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें। तत्पश्चात कल हमारे द्वारा कार्यवाही की गई और समझाइश भी दी गई और जुर्माने और जब्ती की कार्यवाही की गई और आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी। प्रतिबंधित पॉलीथीन डिस्पोजल ग्लास ये सबके लिए चेकिंग में आए थे, अपन उसका यूज नहीं करते जो प्रतिबंधित है, अपन उसकी जगह हम ये पेपर का थैला यूज करते हैं। देखिए, आपको क्या लगता है पॉलीथीन का उपयोग होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शासन के द्वारा जो गाइडलाइन है उसमें ये गलत था क्या? अरे गलत तो नहीं है सर, लेकिन अभी के डेट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पॉलीथीन में नहीं आता।